आज हम जाने हैं ये गुलाब जामुन बनाने, तो ये खोआ है और इसमें हम थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे अंदाज से, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मिला लेंगे तो ठोस बनेगा। तो ये खोआ है, पहले इसको हम किसनी से ये कद्दूकस से कस लेंगे, ये इधर से ये कस के, और फिर मैदा मिला के और खूब अच्छा इसको एकदम चिकना बढ़िया बना लेंगे, तब फिर गुलाब जामुन बनाएंगे। अब ये खोआ हमने जो है ना किस लिया, अब इसमें जो है थोड़ा सा मैदा मिला देंगे, ये इतना मैदा मिला देंगे करीब। तो फिर इसको बाद खूब इसको मिला के एकदम बढ़िया चिकना जो है मिला के कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने जो है खोआ बढ़िया एकदम पीस के और एकदम बढ़िया चिकना तैयार कर लिया मैदा मिला के। अब जो है पहले चाशनी बना लेते हैं, और ये हमारा घी है, इसमें हम गुलाब जामुन बना के और तलेंगे, उसके बाद तो पहले शीरा बना लें, पहले चाशनी बना लें। तो ये हमने चीनी ले ली है करीब, ये इतने खोए के लिए करीब आधा किलो चीनी ले ली, और इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो पानी जो है बस इतना डालेंगे कि हमारी चीनी डूब जाए, बहुत पानी नहीं डालेंगे, बस गैस जला लेते हैं और फिर ये शीरा हमारा तैयार हो जाए, तब फिर हम गुलाब जामुन बना के और तलते जाएंगे और इसमें डुबोते जाएंगे। ये देखिए हमारा शीरा चाशनी हमारी तैयार हो गई, और बस ये घी गर्म हो रहा है, इसमें हम अब बनाते जाएंगे गुलाब जामुन बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए ये हमने गोल गोल इस तरह बना लिया गुलाब जामुन, अब इसको ये हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐसे डालते जाएंगे, ये इस तरह डाल देंगे और इसमें अच्छे से इसके ऊपर, ये तो हम मतलब घी में बना रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में देसी घी में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, रिफाइंड में बना सकते हैं। तो ये देखिए बस इस तरह तलते जाएंगे और इसमें शीरे में डालते जाएंगे। बस देखिए अब ये हमारा बन गया, अब इसको जो है ये शीरे में डाल देंगे, इस तरह डुबोते जाएंगे और बस फिर अब ये जो है फिर इसको डालेंगे इस तरह। तो इसी तरह फिर बनाइए आप लोग भी गुलाब जामुन, ये देखिए ये डूब जाएगा ना तो एकदम बढ़िया, देखिए कितना अच्छा ये गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। अब इसको हमने इसमें डाल दिया, अब ये फिर इसमें ये इस तरह, देखिए ये सारे गुलाब जामुन मेरे तैयार हो गए। बस इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए खोए का गुलाब जामुन, और लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।